हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। स्टोरेज जनरली उस टेक्निक को कहते हैं जो डेटा, फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को होल्ड करना और मैनेज करना शामिल होता है। हम रोजाना या समझ लीजिए कि हम डेली बेसिस पे हम सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताने जाऊं, जैसे हमारी ईमेल्स ले लीजिए, ये ईमेल्स मतलब जब भी हम ईमेल्स को रिसीव कर रहे हैं या फिर सेंड कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम ईमेल्स को स्टोर कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे मोबाइल पे जो भी आप अपना फोटोज देख लीजिए, कहीं पर हम लोग क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं, मतलब क्लाउड पे हम लोग अपलोड कर देते हैं ताकि हम कहीं से भी एक्सेस कर पाए उसको। तो मतलब वो भी जाके कहीं ना कहीं क्लाउड पे डेटा सेव हो रहा है। उसी तरीके से मतलब जैसे आप समझ लीजिए, ये वीडियो मैंने कभी, मतलब मैंने अभी एग्जांपल, अभी मैंने वीडियो कहीं पर इसको बना के अभी मैंने एक सर्वर पे कहीं पर क्लाउड पे अपलोड कर दिया, तो आप वहां से कभी भी आप अपने यूट्यूब पे हो या कहीं और रिसोर्स से आप एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब ये क्या है, मतलब ये जो भी थिंग्स है ये कहीं ना कहीं एक क्लाउड प्रोवाइडर है, उस क्लाउड प्रोवाइडर पे उसके स्पेस पे जाके हमारा सारा कंटेंट डेटा वहां पर सेव रहा है जो हम कभी भी एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, एक बेसिक चीजें हैं जो क्लाउड हमको, क्लाउड स्टोरेज हमको प्रोवाइड कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि यूज केसेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम लोग जानने जाएं कि मेन थ्री टाइप्स जो ब्लॉक स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ब्लॉक स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज सिस्टम है जो आमतौर पर डेटा को चंक्स या ब्लॉक में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज मिलती है और इसे अक्सर डेटाबेसेस और एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है जहां डेटा तक लो लेटेंसी एक्सेस की जरूरत होती है। वैसे तो फाइल स्टोरेज एक तरीके से फाइल को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए होती है। इसमें एक हायरार्कियल फाइल स्ट्रक्चर बनाकर रखा जाता है इसको। इसके माध्यम से फाइल को आसानी से नेविगेट और मैनेज किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज सिस्टम है जो अक्सर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह डेटा को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करता है और हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करता है, जिसे बड़े मात्रा में डेटा को रिट्राइव और मैनेज करना आसान हो जाता है। हमने डिस्कस किए गए स्टोरेज सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर डेटाबेसेस अक्सर अपने बैकएंड में ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज ऑपरेशन को करने के लिए। यह समझना जरूरी है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम्स कैसे सीधे लेवरेज किया जा सकता है या दूसरे क्लाउड सर्विसेज के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।